नमस्कार। ये वीडियो मैं थोड़ा देर से बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि देखिए मैं मुंह पे कह रहा हूँ, कुछ हमारी ट्रिक्स टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए होती हैं, जो हमें प्रीमियम पैकेज दे रहे हैं। तो सिमिलर जनरली कट ऑफ बताना, वो बताना बहुत सिंपल है, बट कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए रखते हैं। तो उसी क्लाइंट्स के मद्देनजर ये जो सीजन अभी चल रहा था, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं वीडियोज में नहीं बताता, सबको नहीं बताता। आप लोग फोन करते हैं, कमेंट डालते हैं, और मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ और फिर से अपील करूंगा आप लोगों से। देखिए, जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा फॉर्म निकल गया, कौन सा फॉर्म नहीं निकला, कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, किस स्टेट से क्या कट ऑफ्स हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। वो मैं भी दे रहा हूँ और तीन चार जो अच्छे काउंसलर्स हैं उनके चैनल पर भी आपको मिलेगा। लेकिन जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जी इस कट ऑफ पे क्या करें, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, बहुत फोन आ रहे थे कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 खत्म था, और खासकर दिल्ली वाले, यूपी वाले, जो बाकी स्टेट्स के हैं, सर हम क्या करें, ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करें या ना करें, कितनी भरें, क्या क्वालिटी लिस्ट है, किस कॉलेज को ऊपर रखें, किस कॉलेज को नीचे रखें, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड किस स्टेट्स में है, किस में नहीं है, सर्विस बॉन्ड किस स्टेट्स में है, किस स्टेट में नहीं है, फीस किस में है, किस में नहीं है। तो देखिये, ये सब जो जानकारी है, ऑफकोर्स फीस स्ट्रक्चर बहुत आसान है, इसलिए हम लोग दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं। पर फिर से मैं अपील कर रहा हूँ, बचा हुआ भी जो समय है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगता है, मुझे बुरा भी लगता है, मैं सच बताऊँ, और बच्चे शायद समझ नहीं पाते, तो ये वीडियो बच्चे से ज्यादा बच्चे के पेरेंट्स को सुनना चाहिए। परसों रात को भी आया, अराउंड 9 बज गए थे, बट फिर MCC ने पोस्टपोन कर दिया, कल भी टाइम दे दिया। लड़की शायद थी, वो फीमेल थी, सर मुझे एक ही सवाल पूछना है, सर एक ही सवाल पूछना है कि, और वो दैट वॉज अ स्ट्रेटेजी क्वेश्चन, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने कौन सा बटन दबाना है, इट वॉज अ स्ट्रेटेजी क्वेश्चन। और मैंने बोला, मैंने कहा बेटा इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तो हम प्रीमियम पैकेज देते हैं ना 40,000 रुपए का, मतलब इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, अगले 50 साल तक आप करोड़ों रुपए कमाओगे, और वो भी एक डॉक्टरी जैसा अच्छा पेशा करते हुए। और वो सब करने के लिए अगर आप पूरा पैकेज भी नहीं ले रहे 40,000 का, आप एक छोटा सा सेशन के लिए 5,000 रुपए भी देने को तैयार नहीं हो। और हमने जिन्होंने ये नॉलेज गेन करी है, जो दिमाग में रखते हैं, आपको इमिडिएटली बताते हैं ऑन स्पॉट, तो फिर हम कैसे कमाएंगे। तो मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा में कितने कॉलेज भरने थे, कितने नहीं भरने थे, इसकी भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने शायद MCC का फॉर्म ढंग से भरा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। इस बार ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 भी फ्री एग्जिट था विद फॉरफीचर, वो शुरू से ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक सीट मिली, आपने नहीं ली राउंड 1 की तरह, तो कम आपके सिर्फ पैसे खराब होंगे जो आपने सिक्योरिटी बनी जमा करा रखी है। लेकिन राउंड 3 में एक तो ना, इस साल स्पेशली फॉर ऑल इंडिया कोटा नाम बदल गया है, मतलब जो नाम को ना पहचान, अब मॉपअप राउंड ना होकर ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 बोलते हैं पर्पस से, आप उसे मॉपअप भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 नहीं था, राउंड 3 नहीं था ना, स्टेट्स को सीट वापस चली जाती थी और वो सब स्टेट्स के राउंड 2 में आती थी, इसलिए स्टेट्स ऑल इंडिया कोटा से पीछे चलते थे। इस बार तो जारी नहीं है, फिर भी इन्होंने स्टेट्स को बोला है कि हमसे पीछे चलो, जिसका एक और कारण है क्योंकि DMD ने प्रेशर डाला है, DMD काफी सीटें खाली चल रही हैं। मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि कई लोग ये फोन आ रहे थे, सर क्या DMD अच्छे नहीं होते हैं, इस साल तो बहुत सीटें खाली है राउंड 1 में और कट ऑफ बहुत नीचे जा रही है। तो मैंने भाई बार बार समझाता था कि देखिए, डीम्ड और स्टेट में हमेशा 10 दिन का गैप होता था, 15 दिन का, तो लोग इतने डरे हुए होते थे, जिनको नॉलेज नहीं होती थी, कहते जो पहले सीट मिल रही है ले लो। लेकिन इस बार चूंकि थोड़े साथ साथ चले, तो जब तक डीम्ड का रिजल्ट है तब तक कई स्टेट से अराउंड 1 का रिजल्ट आ चुका था, आपको अपनी स्टेट में सीट मिल गई थी, तो आपने सोचा मुझे जरूरत नहीं इतनी महंगी सीट लेने की। शायद काउंसलिंग बहुत पॉपुलर हो गई है, कई लोग काउंसलर रखने लगे, और हम बता देते हैं कि इस नंबर पे आपको डीम्ड में 22 लाख रुपए साल की देने की जरूरत नहीं है, आपका काम 12-13 लाख रुपए ईयरली फीस के स्टेट प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। लोगों को एक्चुअली डीम्ड और प्राइवेट में फर्क ही नहीं मालूम था। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ बड़ा गड़बड़ हो गई। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि डीम्ड कुछ टॉप कॉलेज नहीं होते हैं, डीम्ड का बस मतलब ये होता है कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी डिग्री खुद देते हैं, वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करते हैं। स्टेट प्राइवेट कॉलेज हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनके एग्जाम्स कॉमन होते हैं। ये थोड़ी ना कि चूंकि आप डीम्ड हो तो आप तो हो जाओगे और स्टेट प्राइवेट हो तो नहीं होंगे। अब शायद ये बातें लोगों को समझ में आ गई हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि मुझे 20-22 लाख रुपए साल की फीस नहीं पे करनी, और इसलिए डीम्ड कट ऑफ नीचे गिरी है। कमिंग बैक टू ऑल इंडिया कोटा,
चूंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबका राउंड 3 होगा, जो से मॉपअप भी बोलते हैं, तो आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सिर्फ वही सेम, अगर सरकारी की बात करें तो सिक्योरिटी मनी देके दोबारा आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि राउंड 2 में आप जितने मर्जी भर सकते थे, आपको सीट मिलती तो आप छोड़ सकते थे। अब ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट होता है, बहुत हमारा बड़ा स्ट्रेटेजी होती है लुकिंग एट कि इस साल ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 होगा। लास्ट ईयर देखिए नहीं होता था, तो लास्ट ईयर आपको एक ऑल इंडिया कोटा की सीट मिली जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टेट राउंड 2 का वेट करना चाहते थे, तो वो वेस्ट हो गई क्योंकि बाद में तो सीट वापस चली गई। बट इस साल ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट आपको राउंड 3 में भी मिल सकती है। इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, इससे आप समझ जाइए कि आप ये ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 को भरने की और अब जब रिजल्ट आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यही स्ट्रेटजी जब हम अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, देखिए उसी चीज के हम चार्जेस लेते हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ कट ऑफ बताना बहुत आसान है, वो और कंप्यूटर भी बता रहे हैं, मैं भी बता दूंगा, अगला वीडियो उसी में आ रहा है कि हरियाणा के क्या रूल्स है उनके राउंड 2 को पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं समझा भी दूंगा। लेकिन जो इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए ना कि मेरी ये कट ऑफ है, मुझे ये करना है कि वो करना है, तो बच्चे उन्हीं सवालों का तो जवाब देने के लिए तो पेड कंसल्टेंट हैं। और खासकर जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, देखिए जब किसी को बुखार होता है तो वो क्रोसिन अपने घर पे खा लेता है ना, आपके पास वो तभी आता है जब उसको गूगल पे जवाब नहीं मिला। तो एज ए डॉक्टर अगर आप हर एक का 2 सवालों का जवाब दे देंगे तो फिर आपकी तो क्लिनिक बंद हो जाएगा ना। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, सरकारी नौकरी आपकी नहीं है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, अगर आप सारे ओपीडी फ्री में देखने लग जाओगे, क्योंकि हर ओपीडी का जो ड्यूरेशन होता है वो तो 2 मिनट का ही होता है, 2 सवाल ही पूछे जाते हैं, तो जब आप अगर हर पेशेंट के 2 सवाल पूछ के उसको लिख के दे दोगे बाजार से जाके दवाई खरीद ले, तो फिर आपका तो क्लिनिक बंद हो जाएगा ना, आप तो अपनी बिजली का बिल भी नहीं निकाल पाओगे। तो सिमिलरली बच्चों, पेरेंट्स वही 2 सवाल बताने के ही तो हमारे चार्जेस है, हमारी स्किल है, हमारी नॉलेज है। अगर मैं आपको 2 सवालों का जवाब ऐसे ही दे दूं तो फिर हम कैसे कमाएंगे, जरा सोचिए, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी कंपनी कैसे चलेगी, जो इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आप लोगों के बाकी काम करने के लिए। तो उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, कई बार ऐसा नहीं लग गया है कि हमने भाई जो हमारा मिनिमम चार्ज होता है 10 मिनट बात करने का, लोग कहते हैं जी कईयों ने पैसे लिए और वो वापस नहीं कर रहे हैं या हमें मजा नहीं आया। तो मैंने वही कहा कि मैंने कहा देखिए तभी हमने बड़ा नॉमिनल अमाउंट रखा है पहली बात करने का 1500 रुपीज, और आप भी तो नए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो रिस्क तो लेते ही हैं, और फिर डेफिनेटली आप नए डॉक्टर के पास जाते नहीं, आप जान पहचान से जाते हैं। तो आप हमें देखिए, मेरा चैनल देखिए, हमारी वेबसाइट gkworks.in पे जाइए, www.gkworks.in, उस पर जरा अबाउट अस में मेरी प्रोफाइल देखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आपके 1500 रुपए लेके आपको सर्विस ना देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ या किसी और पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बस अभी शेयर करना चाहता था, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेड काउंसलिंग, डीम की कट ऑफ नीचे क्यों गई है राउंड 1 में ब्रॉडली, एंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करके एक सीट अलोकेट करा लेनी चाहिए कम से कम, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी मनी खराब करके, जो कि बहुत नॉमिनल 10,000 रुपए तो थी। तो ये 3 लाइनें बहुत हिंट है आपके लिए कि आपको क्यों मैक्सिमम कॉलेज भर के एक सीट अलोकेट करा लेनी चाहिए, और वो कराने के बाद आपको राइट स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको तब तक स्टेट राउंड 2 का रिजल्ट नहीं आया या स्टेट राउंड 2 में आपको अपनी मनमर्जी सीट नहीं मिली, तो उसका जवाब आप खुद भी सोच सकते हैं, और हमारी राय लेना चाहे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के जरिए। धन्यवाद।